हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज आप कह सकते हो कि मल्टी लैंग्वेज जो एसईओ हम डिस्कस करते हैं, जो इंटरनेशनल हम एसईओ डिस्कस करते हैं, आज उसका हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी कुछ मुझे इस टॉपिक में कुछ मिला तो मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैंने बोला था HREF लैंग टैग। तो क्या होता है कि मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट का जो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि वो होता क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट या इंटरनेशनल एसईओ वेबसाइट या जो कोई भी ऐसी वेबसाइट होती है जो एक सिंगल वेबसाइट हम मल्टीपल जियोग्राफिक ऑडियंस को टारगेट करती है फॉर डिफरेंट रीजन्स, हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब मल्टी लिंगुअल वेबसाइट जो हमारी होती है या मल्टी लिंगुअल एसईओ कह सकते हैं, इंटरनेशनल एसईओ कह सकते हैं, तो उसमें HREF लैंग टैग का क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि दिस इज़ अ टेक्निकल इंडेक्सिंग इशू। अगर हम HREF लैंग टैग यूज़ नहीं करेंगे, वो कंडीशन बताऊंगा किस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल इंडेक्सिंग इशू हो सकता है। अब क्या है, ये जो HREF लैंग टैग मल्टी लिंगुअल एसईओ इंटरनेशनल एसईओ में किस तरह यूज़ होगा या मल्टी लिंगुअल वेबसाइट में किस तरीके से यूज़ होगा, कि मान लीजिए कि एक वेबसाइट में चार पेज हैं, अगर हम ब्लॉग पेज की बात करते हैं या सर्विस पेज की बात करते हैं, ठीक है, और चारों सर्विस पेज या ब्लॉग पेज एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंग्लिश में, ठीक है, एक पेज हिंदी में बना, एक मराठी में बना, एक उर्दू में बना, एक मलयालम में बना, एक कन्नड़ में बना, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एक फ्रेंच में बना, एक जर्मनी में बना, काइंड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से वो पेज बने। अब बात आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे वो सारे पेज इंडेक्स हों, डिफरेंट ऑडियंसिस को शो हों। जब इंडेक्स होंगे तभी डिफरेंट ऑडियंस को शो होंगे, और जब इंडेक्स करने से पहले गूगल्स के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर चार पेज हैं तो हम इसमें कैनोनिकल टैग लगा सकते हैं, तो बट नहीं, वी कैन नॉट यूज कैनोनिकल टैग इन दिस इशू, इन दिस ओनली, इन दिस इफ वी पुट कैनोनिकल टैग वन पेज गेट इंडेक्स अदर्स नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का पेज है, हिंदी का है, मलयालम का है, उर्दू का है, पाँच पेज है, ठीक है। अगर मैंने फर्ज करो कैनोनिकल टैग लगा भी दिया, कैनोनिकल टैग क्या बोलेगा, कैनोनिकल टैग जो हमें वो कहते हैं ना इंडिकेशन देगा, वो उस पर्टिकुलर पेज की देगा कि ये इस पर्टिकुलर पेज पे का लगा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इंग्लिश के पेज पे मैंने लगा दिया कि इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, ऐसे सारे पेज हैं जो सेम बात कर रहे हैं पर कॉन्टेक्स्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, कोई हिंदी में बात कर रहा है कि इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज होती है, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, कुछ बड़ा है, सारे पेजेस पे कॉन्टेंट सेम है, एक ही टॉपिक की बात कर रही है, ठीक है। अगर मैं कैनोनिकल टैग लगा दूंगा तो गूगल को क्या सिग्नल जाएगा कि ये ओरिजिनल पेज है, बाकी सारे जो हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो उस पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स कर लेगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हम सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग भी तो लगा सकते हैं, कि हर पेज में कैनोनिकल टैग लगा दें, हिंदी वाले पे हिंदी का लगा दें, इंग्लिश वाले पे इंग्लिश का लगा दें, पंजाबी वाले पे पंजाबी का लगा दें, मराठी वाले पे मराठी का लगा दें, ठीक है। अगर आप वो करोगे तो फिर क्या होगा, डुप्लीकेट कॉन्टेंट इशू अराइज होगा। उसमें ये क्या होगा, डुप्लीकेट कॉन्टेंट इशू अराइज होगा कि भाई चारों पेज एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्रॉलर को तो ये इंडिकेशन मिलेगी ना, भाई लैंग्वेज चेंज है, सेल्फ रेफरेंसिंग लगा है, उसकी मर्जी है। कि कहते हैं ना क्रॉल बट नॉट इंडेक्स में एक इशू आता है, ऑल्टरनेट पेज कैनोनिकल इशू, गूगल अपनी मर्जी से समझ लेता है कि भाई जो उसे जो सही लगता है, उसे सही कैसे लगेगा कि हम चारों पेजों में लिखा, क्या पता उसने मराठी वाले को इंडेक्स करा दिया, इंग्लिश वाले को नहीं कराया, इंग्लिश वाले को करा दिया, बाकी को नहीं कराया। लेकिन हम क्या चाहते थे, सारे पेज इंडेक्स हों और सब जो लैंग्वेज बोलने वाले वो हमारी वेबसाइट पे, हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक चारों तरफ से बढ़े, पंजाबी ऑडियंस भी आए, मराठी भी आए, मलयाली भी आए, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, फ्रेंच, जर्मन सब आए, ठीक है। अब यहाँ पे काम करेगा HREF लैंग टैग। HREF लैंग टैग में क्या होगा कि सभी पेजों के जितने भी HREF लैंग टैग होंगे ना, जो हिंदी के लिए, इंग्लिश के, वो हर पेज पे लगेंगे विद देयर लैंग्वेज कोड एंड कंट्री कोड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, अगर जैसे ये बना, जैसे इंग्लिश पे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंग्लिश में लिखा है, तो उस पे HREF लैंग टैग ये लगेगा, ठीक है। पेज हुआ इंग्लिश वाला, HREF लैंग टैग लगा इंग्लिश टू इंग्लिश इंडिया, EN है, उसी पे हिंदी का भी लगेगा, उसी पे पंजाबी का भी लगेगा, उस पे ही मराठी का भी लगेगा। ऐसे ही जब हिंदी वाला HREF लैंग टैग यूज़ करेंगे तो उसी पे इंग्लिश का लगेगा, पंजाबी का लगेगा, मराठी का लगेगा। सेम पंजाबी वाले
पेज पे जब हम एचआरए फ्लैंक टैग लगाएंगे उसके साथ इंग्लिश हिंदी मराठी, ऐसे ही जब मराठी वाले पेज पे हम एचआरए फ्लैंक टैग लगाएंगे तो उसमें भी इंग्लिश हिंदी पंजाबी लगेगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये स्क्रिप्ट क्या कहती है। रियल मतलब रिलेशनशिप होता है, वैल्यू इसमें ऑल्टरनेट आती है हमेशा। एच आर ई एफ मतलब पेज लिंक, वी टॉकिंग अबाउट द पेज कि हम किस पेज की बात कर रहे हैं, हम इस पेज की बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले पेज की। ठीक है, और एच आर ई एफ लैंग में क्या आ जाता है, लैंग्वेज एंड कंट्री कोड। लैंग्वेज आ गया इंग्लिश और कंट्री कोड क्या आ गया इंडिया, हिंदी इंडिया, पंजाबी इंडिया, मराठी इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब है उन चारों पेजेस पे जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात कर रहे थे, पहला इंग्लिश में बता रहा था, दूसरा मराठी में, तीसरा पंजाबी में, चौथा हिंदी में, इन चारों पेजेस पे इनके एच आर ई एफ लैंगटेक कोड के अलावा बाकी तीन भी एच आर ई एफ लैंगटेक कोड लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इंग्लिश का पेज था हमारा, ठीक है, तो इस इंग्लिश के पेज पे जो हमारा एच आर ई एफ लगे ये सारे कोड लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस पेज पे अगर हम हिंदी पे जाते हैं, अगर हम सेम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के बारे में बता रहा हूँ बिल्कुल सेम चीज़, तो इस केस में आप ये मान के चल लीजिए, एक मिनट, ये यहाँ पे हिंदी का मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा हिंदी का पेज है, एक मिनट, ये हमारा हिंदी का पेज है, इसको कॉपी करा, तो हिंदी के पेज भी में भी ये चारों लगेंगे। हिंदी के पेज में भी इंग्लिश का भी लगेगा, हिंदी का भी लगेगा, पंजाबी का भी लगेगा, मराठी का भी लगेगा, जैसे इंग्लिश में लग रहा था। ठीक है, सेम मतलब मैं वही चीज़ है कि ये मतलब मैंने ये पेज यहाँ पे लिख दिया कि हिंदी में भी सारे लगेंगे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी चारों लगेंगे। मतलब अगर आप देखो, मैं आपको और समझाने के लिए आपके कर देता हूँ, मतलब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, आप समझ तो गए होंगे कि इस तरीके से कंडीशन बनेगी। इंग्लिश का पेज आया, चारों लगेंगे, इंग्लिश हिंदी पंजाबी मराठी, हिंदी का पेज आया, इंग्लिश हिंदी सारे लगेंगे, ऐसे ही मराठी में, मतलब बताने के लिए आपको मैंने फॉर्मेट बताया इस तरीके से सारे लगेंगे। क्योंकि क्या होगा जब चारों लगेंगे, मान लीजिए इंग्लिश के पेज पे क्रॉलर आया, क्रॉलर ने पढ़ा तो क्रॉलर ने देखा कि भाई ठीक है, इसने इसका एच आर ई एफ लैंग टैग लगाया, कहना चाह रहा है कि इंडिया ऑडियंस है और इंग्लिश के लिए। ठीक है, वो बाकी देखेगा तो उसको एक इंडिकेशन क्या जाएगी कि बाकी भी सेम कंटेंट के अलग अलग पेज बने हुए हैं हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, उन सब को भी मुझे इंडेक्स करना है और उनकी ऑडियंस को दिखाना है, जिसने पंजाबी में कोई क्वेरी डाली, मराठी में डाली, वॉइस सर्च भी करा, अपनी लैंग्वेज में करा, तो फिर गूगल उस वॉइस सर्च को समझ के ये वाले पेज उसको दिखाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि वेबसाइट मल्टीलिंगुअल एसईओ या इंटरनेशनल एसईओ में अगर ये आपके पास कंडीशन आ जाए कि सेम कंटेंट है और अलग अलग लैंग्वेज में है, और हम चाहते हैं हर ऑडियंस के लिए वो पेज अवेलेबल हो, सर्प में अवेलेबल तब होगा जब इंडेक्स होगा, और इंडेक्स इसलिए होगा अगर हम उस पर एच आर ई एफ लैंग टैग लगाएंगे, हर पेज पे बाकी सारे पेजेस का भी एच आर ई एफ लैंग टैग लगेगा विद देयर कंट्री कोड एंड लैंग्वेज कोड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंटेंट को शेयर कीजिए, वो मैं देख रहा हूँ मेरा कंटेंट शेयर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लाइक्स कम हो रहे हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कम हो रहे हो, कि मैं अभी यूट्यूब स्टूडियो में गया था तो 80% लोग, जो मेरी ऑडियंस है, अगर मैं 80% की बात करूँ तो वो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, 20% सब्सक्राइबर्स हैं। इट मीन्स क्या है फ्रेंड्स, लोग आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट इतना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, रिटर्निंग यूज़र्स भी वही हैं जो 40% या 50% वो रिटर्निंग यूजर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी मैं टॉपिक्स पे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।